वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अक्टूबर 2018 और 25 अक्टूबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनकेडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनकेडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनकेडमी पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एम नागेश्वर राव को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी आपने न्यूज चैनल पर भी देखा होगा, न्यूज पेपर में भी पढ़ा होगा, सीबीआई के डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के बीच में विवाद चल रहा है। एक दूसरे पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर ही करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी एजेंसी जो दूसरे के करप्शन की जांच करती है उसके डायरेक्टर और उसके स्पेशल डायरेक्टर एक दूसरे के ऊपर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। और अब इन दोनों को ही गवर्नमेंट ने हटा दिया है और नए डायरेक्टर बना दिए गए हैं, एम नागेश्वर राव। आप इमेज में देखिए, ये हैं एम नागेश्वर राव और ये अब सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं। अच्छा, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर कौन थे? तो दोनों के नाम तो आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टर थे आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना। अब इन दोनों को ही हटा दिया गया है और नए डायरेक्टर बना दिए गए हैं, एम नागेश्वर राव। और ये जो एम नागेश्वर राव बनाए गए हैं ये उड़ीसा कैडर के हैं। अब सीबीआई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी कि सीबीआई बनी कब थी? 1941 में बनी थी। और सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है तेहरान में। अब तेहरान क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहीं पर यह त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये इंडिया की अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय बैठक है, तो अफगानिस्तान और ईरान के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे दोनों के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। पहले आप मैप में देखिए, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। अब आते हैं ईरान पे। आप मैप में देखिए, ये है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। अच्छा, इस त्रिपक्षीय बैठक में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इस त्रिपक्षीय बैठक में हमारे सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। क्या नाम है इनका? टीएस त्रिमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? ये तो मैं आपको हजार से ज्यादा बार बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। जब भी यूनाइटेड नेशन की बात आती है मैं आपको बताता हूं। तो ये कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और एक बात मैं और बोलता हूं आपसे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे डे आप रिवाइज करिए। तो अब वीडियो को आप पॉज करिए और अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं सारे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे आप एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये हैबिट आप डेवलप करिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए पूरे मंथ के डे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये तो आपको मैंने आपको कई बार बताया है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट इंफॉर्मेशन बताता हूँ। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में कितने कंट्री हैं, कितने मेंबर हैं
193 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अभी जो यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया है, इस दिन एक म्यूजिकल कंसर्ट किया गया है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर है वहीं पर म्यूजिकल कंसर्ट हुआ है, और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। ये जो म्यूजिकल कंसर्ट हुआ है इसकी थीम है ट्रेडिशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ये थीम आपको याद रखनी है। अब यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया था, ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, और इसका पर्पज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा पर्पज है मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, एक और इसका पर्पज है मानवतावादी सहायता प्रदान करना, और एक और इसका पर्पज है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ये पर्पज है यूनाइटेड नेशन के, इन्हीं पर्पज के लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो सियोल लिखा है, इसे लिखा देखकर आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, सियोल किसकी कैपिटल है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ये आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यास नवाचार के विजेताओं को पुरस्कार किसने दिया है? तो अभी हाल ही में साउथ एशियन रीजनल व्यास के नवाचार के विजेताओं को पुरस्कार दिया है सचिन तेंदुलकर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूनिसेफ के साउथ एशिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर, और इन्होंने अभी हाल ही में साउथ एशिया रीजनल वॉस के नवाचार के विजेताओं को पुरस्कार दिया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि साउथ एशिया समझ में आता है, रीजनल समझ में आता है, यानी कि क्षेत्रीय समझ में आता है, ये वॉस क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, WA फॉर वाटर, S फॉर सैनिटेशन, H फॉर हाइजीन, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। तो साउथ एशिया रीजनल वास्क के नवाचार के विजेताओं को पुरस्कार दिया है सचिन तेंदुलकर ने, इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर नए खाते खोलने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो अभी हाल ही में RBI ने फिनो पेमेंट बैंक पर जो प्रतिबंध लगा था नए खाते खोलने पर, उसे हटा दिया है। अच्छा, ये प्रतिबंध लगा कब था? तो मई में RBI ने फिनो पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था कि फिनो पेमेंट बैंक अब नए खाते नहीं खोल सकता, और जब ये प्रतिबंध लगाया था तब भी मैंने आपको बताया था। और क्यों लगाया था प्रतिबंध? क्योंकि पेमेंट बैंक की एक लिमिट होती है, 1 लाख तक का ही आप लेन देन कर सकते हो पेमेंट बैंक में, और फिनो पेमेंट बैंक में कुछ अकाउंट ऐसे थे जिनमें 1 लाख से ज्यादा का लेन देन था, इसी वजह से RBI ने फिनो पेमेंट बैंक के नए खाते खोलने पर रोक लगा दी थी, और अब ये रोक हटा दी है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पेमेंट बैंक की बात आ गई है, तो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में कितने वर्किंग पेमेंट बैंक हैं? प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 5 वर्किंग पेमेंट बैंक हैं, और पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक। ये 5 पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में वर्किंग कंडीशन में है, तो पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इंडिया ने इसराइल के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये समझौता हुआ है इसराइल के साथ, तो आप मैप में देखिए, ये है इसराइल, इसराइल की कैपिटल है यरूशलम, कैपिटल आप जरूर याद रखना क्योंकि इसराइल की कैपिटल अभी बहुत विवाद में रही है, तो इसराइल की कैपिटल का नाम आपको याद रखना है यरूशलम। इसराइल की करेंसी है इसराइली न्यू सेकल, और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इतना आपको इसराइल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन डे तो याद ही रखना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके साथ ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को आप लिंक करके याद कर लीजिए। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैं नहीं हम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मैं नहीं हम पोर्टल लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में इस पोर्टल का नाम हाईलाइट किया हुआ है, मैं नहीं हम, अब ये क्या है? तो इंडिया में जितने भी आईटी के पेशेवर हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वर्किंग क्लास है, उसके लिए एक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये मैं नहीं हम पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका नाम आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विराट कोहली ने अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी 205वीं पारी में 10,000 रन पूरे किए हैं, और ऐसा करने वाले ये वनडे क्रिकेट में पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इतनी जल्दी 10,000 रन बनाए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 269वीं पारी में 10,000 रन बनाए थे, लेकिन विराट कोहली ने मात्र 205वीं पारी में ही 10,000 रन बना लिए हैं, और इसके साथ ही विराट कोहली ने अपने 37वां शतक भी लगाया है, और यहां पे भी विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बना दिया। 205वीं पारी में विराट कोहली ने 37वां शतक लगाया है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 321वीं पारी में 37वां शतक लगाया था। तो ये दो रिकॉर्ड बनाए हैं विराट कोहली ने, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया जाएगा असम में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है कि ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, और इसकी लंबाई होगी 19.3 किलोमीटर, यानी कि 19.3 किलोमीटर। अच्छा, ये तो बनाया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पे है? तो प्रेजेंट टाइम पे भी भारत का सबसे लंबा नदी पुल असम में है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज। अच्छा, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, यानी कि 9.15 किलोमीटर। तो ये प्रेजेंट टाइम पे भी सबसे लंबा नदी पुल असम में ही है, और अब जो बनाया जाएगा वो भी असम में ही होगा। अब जब भी नाम असम का आए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी आप असम का नाम सुने आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहां कहां पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा भारत में असम और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य हैं, यहाँ पे पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती मुंबई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, पुराने करंट अफेयर्स के रिविजन के लिए मैं डेली एक नीचे रिविजन ऑडियो देता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके रिविजन के लिए ऑडियो सुन सकते हैं, जिससे कि आपका पुराना रिविजन हो सके। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सागर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक जरूर कर देना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।